दोस्तों, साइंस जितनी तेज़ी से तरक्की की ओर बढ़ता जा रहा है, रोज़ाना ही कुछ न कुछ नए आविष्कार होते जा रहे हैं, जिसमें से कुछ आविष्कार मानव और प्रकृति के हित में हैं और कुछ आविष्कार मानव व प्राकृतिक दोनों के ही हित में नहीं हैं। तो आइए आज के वीडियो में कुछ ऐसे आविष्कार के बारे में जानेंगे जो इस्तेमाल में तो नहीं है, मगर ये इस्तेमाल में होते तो मनुष्य तथा प्राकृतिक दोनों के हित में होता। नंबर एक, एडिबल वाटर ब्लॉक। दोस्तों, यह एक गोलाकार शेप में पानी का पैकेट है जिसका बाहरी हिस्सा क्लोराइड और सीवीड से बना होता है, जिसके अंदर पीने के लिए पानी होता है। दोस्तों, आप इस एडिबल वाटर ब्लॉक को पूरी तरह से खा सकते हैं, और अगर बाहरी हिस्से को नहीं खाना चाहते तो इसके अंदर के पानी को पीकर इसके बाहरी हिस्से को फेंक सकते हैं, और क्योंकि यह बायोडिग्रेडेबल है, यह आसानी से मिट्टी में घुल जाता है। अगर वही पानी बोतल की बात करें तो यह प्लास्टिक से बना होता है, जो कि प्राकृतिक के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, और इसे पूरी तरह से नष्ट होने में 450 से 1000 वर्ष लग जाता है, जबकि इस एडिबल वाटर ब्लॉक को मिट्टी में घुलने के लिए मात्र 1 महीने का समय लगता है। दोस्तों, यह वाटर बोतल का एक बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि इससे पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक वाटर बोतल पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुँचाता है। नंबर दो, एडिबल पैकेजिंग। दोस्तों, सोचो कि समुद्र किनारे या बीच पर बियर कैन या एनर्जी ड्रिंक पीते हुए चिल कर रहे हों, मगर क्या आपको पता है कि यह कैन समुद्र में जाने के बाद हजारों शार्क, डॉल्फिन और कछुओं की जान ले लेता है, जिससे हर साल समुद्र के इकोसिस्टम पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। मगर दोस्तों, इन सब से निपटने के लिए साल्ट वाटर ब्रेवरी नामक कंपनी ने एडिबल पैकेजिंग ईजाद की है, जिससे बियर कैन और अन्य बॉटल जैसे चीज़ें बनाया जा सकता है, और यह गेहूं और जौ से बना होता है, जो कि 100% सुरक्षित है। इस कैन या बॉटल के समुद्र पर जाने से समुद्री जीव इसे आसानी से खा सकते हैं, और इससे किसी समुद्री जीव पर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। नंबर तीन, टूथपेस्ट पिल्स। दोस्तों, टूथपेस्ट हमारे दांतों को स्वस्थ रखता है, मगर आपको पता है इससे पानी में रहने वाले जीवों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें लीड मिला होता है, जो कि पानी में रहने वाले जानवरों के लिए जहरीला साबित होता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वैज्ञानिकों ने टूथपेस्ट पिल्स का ईजाद किया है। यह पिल 8 महीने तक ताज़ा रहता है, और यह इको फ्रेंडली भी है, और हमारे टूथपेस्ट से बेहतर काम करता है। नंबर चार, प्लास्टिक बैग्स दैट डिजॉल्व इन वाटर। दोस्तों, प्लास्टिक बैग प्राकृतिक का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यह प्रत्येक जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है और सैकड़ों वर्ष तक नष्ट भी नहीं होता। तो इस चीज़ से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग बनाए हैं, जो कि फलों के स्टार्च से बना होता है, और यह आसानी से पानी में घुल जाता है। आप इस पानी को पी भी सकते हैं जिसमें यह बायोडिग्रेडेबल बैग घुला हो। दोस्तों, हम इस बायोडिग्रेडेबल बैग को प्लास्टिक बैग के विकल्प पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और पृथ्वी को प्लास्टिक बैग के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। नंबर पाँच, वाटर लाइट बल्ब। दोस्तों, 70% ग्रामीण इलाकों के अधिकतम जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, इस वजह से ग्राम निवासियों को रात के अंधकार में जीना पड़ता है। इसे देखते हुए रिसर्चर्स ने एक माइक्रो सोलर पैनल तैयार किया है, जिसे आप एक पुरानी प्लास्टिक बॉटल में डाल सकते हैं। यह प्लास्टिक बॉटल सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे यह रात भर उजाला प्रदान कर सकता है। दोस्तों, ये थे वो 5 आविष्कार जिनके इस्तेमाल से प्रकृति को प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है, मगर इन आविष्कारों को कई साल हो चुके हैं आविष्कार हुए, लेकिन यह सब कहाँ दब गए नहीं पता, और यह सब हमारे घरों पर क्यों उपलब्ध नहीं है, जबकि यह सब काफ़ी किफ़ायती है, तो आम जनता तक क्यों नहीं पहुँचाया गया, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। जबकि इन सब के इस्तेमाल से प्रकृति को प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।